भगवान को कौन प्रिय है? कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। कैतवोत्र परमो मतलब जो कपट रहित है भगवान को अच्छा लगता है, और निर्मत्सरा नाम मतलब जो निर्मल मन वाला है भगवान को। देखो तुमने वस्त्र कैसे पहने हैं, तुम्हारा मकान कैसा है, कोठी कैसी है, बंगला कैसा है, गाड़ी कैसी है, फैक्ट्री कैसी है, भगवान को कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा मन कैसा है, तुम कितने गरीब हो अमीर हो, कोई मतलब नहीं है। ये तो लेन देन चलता रहता है, जो जिसने दान धर्म किया वो अमीर बन गया, जिसने नहीं किया वो गरीब बन गया। ये तो पूर्व जन्म के लेन देन है भाई, हमने बांटा है तो हम मिलेगा, नहीं बांटा है तो नहीं मिलेगा, बात साफ है। ये तो ऐसा मानो कि जब हमारे यहां शादी होती है ना, तो हम हमारे यहां लोग जब पड़ोस में शादी होती तो हम उसके यहां कुछ दे के आते हैं। हम जब 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 हमारे यहां शादी थी तो हमने पड़ोसियों को दिया मिठाई विठाई, कन्यादान बान जो भी बोलते हैं, दिया कि नहीं दिया। तो जब हमारे यहां काम होगा तो सबके यहां से वापस आएगा ही आएगा। तो ऐसे ही हमने जो दान धर्म पुण्य पिछले जन्म में किए हैं, तो जब किया है तो वापस आएगा ही आएगा। नरसिंह जी ने 56 करोड़ की माया लुटाई थी, तो महाराज वो माया लुटाई तो भगवान ने जाके मायरा भर दिया उसी माया से। ये तो लेखा जोखा लेन देन है, ये तो इससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है। तो फिर भगवान ये देखते हैं कि तुम्हारा मन कैसा है। माया तो बिना नाम लेने वाले के यहां भी होती है, जो भगवान का नाम नहीं लेता उसको भी पैसा मिलता है, ज्यादा मिलता है। जो 1 रुपये का दान नहीं करता इस जन्म में उसको भी मिलता है, पिछले जन्म का किया हुआ है उसका मिल रहा है। अब आगे देखेंगे क्या होगा इसके साथ में। पर सजनों, परमात्मा का प्रिय कौन बन सकता है, भगवान का प्रिय कौन है? बोले जो निर्मत्सरा नाम सताम, जो निर्मल मन वाला है, जो मत्सर रहित है। मत्सर रहित का मतलब मत्सर, एक होता है मच्छर, एक होता है मत्सर। मच्छर तो आप समझ ही गए होंगे, जो बाहर से काटे, अभी तो ठंडी है काट नहीं रहे हैं, हाँ गर्मियों में महाराज हालत खराब कर देते हैं। वृंदावन में भी कमी नहीं है मच्छरों की, यहाँ के मच्छर तो और होशियार हैं, क्योंकि महाराज नए नए लोगों का खून पीते हैं। कोई जोधपुर से आता है, कोई जैसलमेर से आता है, कोई चंडीगढ़ से आता है, कोई मध्य प्रदेश से आता है, कोई दिल्ली से आता है, और सबका खून टेस्ट कर करके विटामिन कई प्रकार के होशियार बने रहते हैं महाराज। यहाँ के मच्छर तो, आप लोगों के यहाँ के मच्छर तो एक जगह का ही खून पीते हैं बेचारे, वहां तो सबका पीने का मिलता ही नहीं। पर वृंदावन के मच्छर तो वृंदावन के ही मच्छर है। हाँ? पर एक बात सोचिए, अगर मच्छर काटे तो नींद नहीं आएगी, नहीं आएगी ना, नींद नहीं आ सकती मच्छर काटे। तो बाहर से जो काटता है ना उसका नाम है मच्छर, और अंदर से जो काटता है ना उसका नाम है मत्सर, है वो भी मच्छर ही, और दोनों का एक ही काम है। चाहे बाहर वाला मच्छर काटे तो भी चैन नहीं, और अंदर वाला मच्छर काटे तो भी चैन नहीं। अंदर वाला मच्छर कैसे काटता है? अंदर वाला मच्छर ऐसे काटता है कि पड़ोस में महाराज 4 मंजिल की बिल्डिंग बनी तो मच्छर ने काटना शुरू कर दिया, लो हमारे भाई ने 4 मंजिल बना ली, हमारी तो एक ही पूरी नहीं हुई। हमें दुख इस बात का नहीं कि हमारी एक पूरी नहीं हुई, हमें दुख इस बात का है कि पड़ोसी में 4 मंजिल क्यों बनाई, हमारे भाई ने 4 मंजिल क्यों बनाई, बस दुख इस बात का है कि हमारे भाई ने 4 मंजिल क्यों बनाई, दुख इस बात का है। और सजनों, ये मच्छर जब तक काटता रहेगा, हम चाहे कितनी माला जपें, कितना ही भजन करें, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तो संत कहते हैं, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी। पहली सत्य, इसी श्लोक का भाव मान लो आप, ये वाला ठंडा पानी पी, देख पराई चुपड़ी तो मत ललचावे जी। ठीक है, उसको भगवान ने 4 मंजिल दी होगी भैया, हमारे तो 4 कमरे 4 मंजिल के बराबर है, होगी उसके यहाँ गाड़ी, कोई बात नहीं है 4 पहिया वाली, हमारे तो 2 टांगों वाली गाड़ी ठीक है, क्या टेंशन है। ऐसा जो अपने मन को समझा लेता है ना और भगवान का नाम लेता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है। 2 बेटे हैं, एक रो धोकर के लड़ झगड़ के माँ बाप से ज्यादा ले लेता है, दूसरा चुपचाप बैठा है, ठीक है जो दिया संतोष। तो माँ बाप ज्यादा प्यार किससे करेंगे,
बस इसी से समझ लो आप, ज्यादा प्रेम किससे करेंगे? जो चुपचाप बैठा था, भले कम मिला है पर मां बाप का प्यार उसको पूरा मिलेगा। ऐसे ही सजनों, लड़ झगड़ करके, भगवान से रो पीट करके, हैं बाबा ये दे दे, बाबा वो दे दे, बांके बिहारी ये दे दे वो दे दे, तो ले जा यार जा, ठीक है मिल गया आपको, पर उनका प्रेम नहीं मिल सकता, उनकी कृपा नहीं मिल सकती। उनका प्रेम और अगर कृपा चाहिए आपको तो सजनों फिर तो आपको संतोष धारण करना ही पड़ेगा। देखिए सुदामा जी के पास में कोई महल मालिए मकान नहीं थे, सुदामा जी के पास में कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी, हाँ, पर सुदामा जी के पास में सबसे बड़ा था संतोष रूपी धन। और एक बात ध्यान रखना, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। जब जीवन में संतोष रूपी धन आता है ना तो सब धन धूल के समान हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को निर्मल मन वाला, मत्सर रहित, कपट रहित व्यक्ति बड़ा प्रिय है। गोस्वामी जी महाराज इसी श्लोक का अनुवाद रामचरितमानस में करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन वाला मुझे बड़ा प्रिय लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। बस दूसरे श्लोक में यह बताया गया कि भैया अपने मन को जितना निर्मल बनाओगे भगवान का उतना ही प्रिय बनते चले जाओगे। देखो पुराने जमाने में जो भक्त हुए हैं ना, गृहस्थी होते थे पुराने जमाने के भक्त, 80% भक्तमाल में जो भक्त है वो गृहस्थ है, 20% आप विरक्त मानो, और जिनको भगवान मिले। अच्छा कोई उन्होंने उल्टे लटक के तपस्या भी नहीं की, कोई जंगल में भी नहीं गए, फिर बोले वो भक्त ऐसे थे कि उनका मन बड़ा निर्मल होता था, पवित्र होता था, सीधे होते थे, मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, न किसी की बुराई न किसी की बड़ाई, बड़ाई नहीं तो बुराई भी नहीं। जब वस्त्र गंदा ही नहीं होगा तो धोने की क्या जरूरत है? आज हम लोगों के जो वस्त्र हैं मन रूपी, हमारा जो तन रूपी जो वस्त्र है वो इतना निर्मल नहीं है, इतना गंदा हो गया है, धोने का तो काम ही नहीं है। हाँ बस मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शरमाओ। बस यही बात है, ये सत्य ही है। ये जो भजन गाते हैं ना, एक लाइन गा लेते हैं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तुम्हारे चादर।
चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे। बस सजनों, मन जब निर्मल नहीं रहता तो उसी को कहते हैं मैली चादर। हाँ, और इस चादर को निर्मल करने का सबसे बड़ा उपाय है ये भक्ति रूपी जल, ये सत्संग रूपी जल, जो हमारे मन को निर्मल करता है।